रोम से खबर शामिल करते हैं, जहां पर मसीही बरादरी के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने कहा है कि थक गया और क्यादत की सलाहियत खो दी तो इस्तीफा दे दूंगा। अतालवी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए पोप फ्रांसिस ने कहा है कि जंगें बनती हैं, पुराने हथियार बेचे और नए टेस्ट किए जाते हैं। यूक्रेन तनाजा को सिर्फ रूस नहीं बल्कि दीगर ममालिक ने भी हवा दी। उन्होंने कहा है कि 100 साल से कम अरसे में 3 आलमी जंगें हो चुकी हैं, ये टुकड़ों में शुरू हुई और अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये जंगें दुनिया भर में नहीं है। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि यूक्रेन जंग का मैदान है जहां सब लड़ रहे हैं, ये हथियारों की सनत को जहन में लाता है। उन्होंने कहा है कि एक माहिर ने मुझे बताया था कि अगर 1 साल तक असला ना बनाया जाए तो दुनिया से भूल के मिसाइल खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि थक गया और क्यादत की सलाहियत खो दी तो इस्तीफा दे दूंगा।